प्रदीप भंडारी एग्जिट पोल रे आकलन करथिले जे ओडिसा रे बीजेपी सरकार गठन करि पारे 72 रु अधिक सीट जीति पारे ठीक सेया हेबा को जाउची। प्रदीप जी आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, आपका एग्जिट पोल आया था और आपने दावे के साथ कहा था कि बीजेपी उड़ीसा में सरकार करेगी, 72 से ज्यादा सीट जाएगी, उस तरफ जा रहा है। पहले तो आपका जो आकलन था, एग्जिट पोल था, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने सटीक एग्जिट पोल किया था। प्रदीप जी जी, मैं आपको कई समय से यही कह रहा था, अगर आपको याद होगा हम कई कई बार एक दूसरे से बात कर चुके हैं और मैंने ये बात पे मैं कायम रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बीजेडी के खिलाफ बहुत मैसिव एंटी इनकम्बेंसी थी उड़ीसा के अंदर, और ये एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा के अंदर शुरुआत में दिख रही थी। और अगर आपको याद होगा कि हमने एग्जिट पोल में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 18 तक सीटें जीत सकती है, अब जो है 20 की स्थिति जितना मैं भी लेटेस्ट टैली देख पा रहा हूं वो 20 तक पहुंच सकती है। असेंबली में जब मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेंड जो है जब किसी का डाउनवर्ड ट्रेंड जाता है तो बहुत नीचे चले जाता है और जब किसी का अपवर्ड ट्रेंड जाता है तो काफी ऊपर जाता है। बीजेडी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर थी और जब वो डाउनवर्ड ट्रेंड नीचे गया तो आज की स्थिति में 49 सीट्स पे आ गया है। तो उड़ीसा की जनता ने कह दिया है कि जमीन पे मुद्दा पांडियन था, और वैसे कि मैंने आपको कहा था कि नवीन पटनायक के बाद में कोई ना बीजेडी के लोग ना उड़ीसा की जनता पांडियन जी को स्वीकार करना चाहते थे, और इस बार महिला वोट भी उनको इतना नहीं मिल रहा था, इसीलिए बीजेपी की सरकार उड़ीसा के अंदर बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा के अंदर भी मेजोरिटी सीट, इनफैक्ट सभी एक सीट को छोड़ के जीतने वाली है उड़ीसा के अंदर। प्रदीप जी, आपने बड़ी बात कही थी वुमेन वोटर के ऊपर, आपने कहा था जो SSG वोट है और जो डिफरेंस था महिला वोटर में 43, 46, 47 था, 4% का गैप था, और आपने ये भी कहा था अगर ये गैप कम गया, ये कम हो गया, इसमें गिरावट आई तो बीजेपी सरकार करेगी। वही हुआ, आपने जो कहा था वो डिफरेंस 10% से घटके 3-4% हो गया था वुमेन वोटर, जो आपने फोकस किया था उस पर। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा कि मैंने यही कहा था कि महिला वोट में जितनी ज्यादा कमी आएगी उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा, और इस बार महिलाएं एक तरफा बीजेडी के साथ में नहीं दिख रही थी। तो मुझे पता था कि बीजेपी सरकार बना सकती है। 79 सीट्स तक बीजेपी का पहुंचना ये दर्शा रहा था कि ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ मुद्दा पांडियन था, मैसिव एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड के अंदर थी, और लोकसभा में जब 20 सीट का कन्वर्जन हो रहा है तो ये अपस्विंग ही होना था असेंबली के अंदर। मेरा अनुमान था 72-73 क्रॉस कर जाएगा। 79 मतलब यही कि जनता जब किसी को जिताती, एक तरफा जिताती, जब हराती तो एक तरफा हराती। आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचि कि आपण सेतिपई विद्रुत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल। TSG गुरुकुल, गोठपाटणा, भुवनेश्वर। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।